हेलो एवरीवन, बॉटनी स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शटल वेक्टर्स के बारे में। जो हमारे शटल वेक्टर्स होते हैं उनकी पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो शटल वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर होंगे। वेक्टर मींस कोई प्लाज्मिड होगा जो प्रोपगेट करेगा टू डिफरेंट होस्ट स्पीसीज में, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट होस्ट स्पीसीज में जो है वो प्रोपोगेट करेगा, वो हमारे पास होते हैं शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स जैसे कि बिटवीन प्रोकैरियोट, ये दो प्रोकैरियोट्स के बीच में भी हो सकता है और दो यूकैरियोट्स के बीच में भी हो सकता है, या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में भी हो सकता है। बिटवीन प्रोकैरियोट ले लेते हैं हम इकोलाई, एंड यूकैरियोट है, यूकैरियोट है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ठीक है, यानी कि ईस्ट। तो ये जो हमारा शटल वेक्टर है बिटवीन टू प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, एक प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ करैक्टर्स की बात करते हैं। तो जो हमारा शटल वेक्टर है उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मिड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें टू हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक रेप्लिकेशन होगी हमारे प्रोकैरियोट की और दूसरी रेप्लिकेशन होगी हमारे यूकैरियोट की, मींस ईस्ट की। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, पॉलीलिंकन साइड होनी चाहिए। ठीक है, पॉलीलिंकन साइड होनी चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। मार्कर होने चाहिए ताकि हमें होस्ट सेल का पता लग सके। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर हो गया। सेकंड करेक्टर की बात करते हैं तो ये प्रोपगेट होने चाहिए टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में प्रोपोगेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होना चाहिए, डीएनए इंसर्ट इन द शटल वेक्टर कैन बी मैनिपुलेटेड इन टू डिफरेंट सेल टाइप्स। जो हम इसमें डीएनए इंसर्ट करेंगे शटल में, ठीक है, कैन बी मैनिपुलेटेड इन टू डिफरेंट सेल टाइप, वो टू डिफरेंट सेल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है इसमें, देयर आर सर्टेन शटल वैक्टर्स विच कैन प्रोपोकेट बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। कुछ शटल वैक्टर ऐसे हैं जो मतलब कि दो प्रो कैरियोट, यहाँ पे एक प्रो कैरियोट है या यू कैरियोट है, पर कुछ हैं जो प्रो कैरियोट और प्रो कैरियोट के बीच में होते हैं। तो जैसे टू प्रो कैरियोट्स या टू बैक्टीरिया बोल लो, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हम इकोलाई एंड रोडोकोकस एरिथ्रोपोलिस। ठीक है, ये दो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब ये भी एक बैक्टीरिया और ये भी एक बैक्टीरिया, और दो बैक्टीरिया के बीच में भी शटल वेक्टर है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें शटल वेक्टर के टाइप की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें शटल वेक्टर के, तो वो है हमारे पास VEP 13। VEP की फुल फॉर्म मीन्स ईस्ट एपिजोमल वेक्टर।
ठीक है, YEP ईस्ट एपिजोमल वेक्टर, ठीक है, और है हमारे पास TI प्लाज्मिड, और TI प्लाज्मिड जो है वो प्लांट्स में होता है। उसके बाद LIT38ZT5 ये ईस्ट शटल वेक्टर है। एडीनोवायरस ये भी एक शटल वेक्टर है, ठीक है, शटल वेक्टर बीच में हम लिख देंगे शटल वेक्टर। यहाँ पे इसकी होगी पॉलीलिंकन साइड, ठीक है, ये इसकी पॉलीलिंकन साइड आ गई। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनाएंगे हम ईस्ट का, ईस्ट बोले तो यूकैरियोट, और यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना देंगे बैक्टीरिया का। यहाँ पे आ गया हमारे पास AMPR, ठीक है, और ये है हमारा शटल वेक्टर, और यहाँ पे आ गया हमारा ईस्ट LEUZ मार्कर, ठीक है, ये हमारा शटल वेक्टर। इसी के साथ हमारा छोटा सा टॉपिक शटल वेक्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।